हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक करवा दिया था, जिसके बीच में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर जो 16 था, दैट वाज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी कोई अच्छा टीचर पेपर सेट करेगा तो SCF और LCM का आइडेंटिटी आप लोगों से पक्का वो पेपर में पूछने वाला है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहता है स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन क्यू माइनस वन। जो स्टार है वो कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, उसको हमने क्यू माइनस वन के ऊपर डिफाइन किया, ठीक है। और हमने इसको डिफाइन कैसे किया, डिफाइन में आपसे बोलता है दिस इज ए स्टार बी, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस वन। आपसे कहता है आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है एंड ऑल्सो शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज इन्वर्टिबल। एक तो आपको इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के दिखाना है और एक आपको ये शो करना है कि इसका हर एलिमेंट जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने समझाया था अगर मुझे किसी भी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए स्टार ई, दिस शुड बी इक्वल टू ए। किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस सेट जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। तो ए स्टार ई की बात करते हैं, तो ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए स्टार ई का मतलब है ए प्लस का ई माइनस का ए ई, दिस विल बी इक्वल टू ई। हम लोगों ने ए स्टार ई लगाया, ए स्टार ई का मतलब था ए प्लस का ई और माइनस का ए ई। फिर आप क्या करेंगे, ए से ए कैंसिल होगा, ई बाहर जाएगा, वन माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। आप लिखोगे ई का वैल्यू जीरो या फिर वन माइनस ए का वैल्यू जीरो, दैट मीन्स वन इज इक्वल टू ए। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू किसको बिलोंग करती है, ए की वैल्यू क्यू माइनस वन को बिलोंग करती है, ठीक है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास जीरो है और अगर मैं उसको चेक करूंगा तो q माइनस वन के बीच में लाई करता है, और अगर ये q माइनस वन के बीच में लाई करता है तो हम बिल्कुल ऐसा पक्का लिख सकते हैं कि जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑन q माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो कहने का मतलब है इसका इस बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू इस सेट के ऊपर जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर होगा, ठीक है जी। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट आपसे कहता है हम लोगों को इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालने हैं कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकालता है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो जब हम लोग इनवर्स निकालते हैं तो आपको समझाया, इनवर्स के लिए हम अप्लाई करते हैं ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू ई। आपको ऐसा बताया गया था हर एक ए के लिए उस सेट में बी ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए का स्टार बी के साथ करे तो हम लोगों को आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी हम पहले निकाल चुके हैं, ए स्टार बी को लिख देते हैं। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस का बी माइनस का ए बी, और आइडेंटिटी का वैल्यू कितना है, जीरो। अब हमें यहां से क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना है, तो बी माइनस का ए बी ऐसे कैसे, इसको उधर ले जाइए जीरो माइनस ए, यहां से बी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, वन माइनस ए, दिस विल बी माइनस ए। सो द वैल्यू ऑफ बी विल बी इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई वन माइनस ए। आपको मालूम है बी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, ए इनवर्स के, इसलिए ए का इनवर्स बराबर होगा माइनस ए डिवाइड बाई वन माइनस ए फॉर ए इज नॉट इक्वल टू वन। और वो मैं पहले कह चुका हूं क्योंकि यहां पे जितने भी ए बी हैं वो सारे के सारे क्यू माइनस वन के बीच में बिलोंग करते हैं, यानी वो सारे रेशनल नंबर जिसके बीच में वन नहीं आता है। तो कहने का मतलब अगर मैं ए का इनवर्स निकालूंगा तो a का इनवर्स निकलेगा माइनस ए डिवाइड बाई वन माइनस ए। तो कहने का मतलब है हर q माइनस वन के एलिमेंट का आप लोग इनवर्स निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपसे कहते हैं दो का इनवर्स निकालना है, तो आप लिखोगे दो का इनवर्स आएगा माइनस टू डिवाइड बाई वन माइनस टू, तो माइनस टू बाई माइनस वन, इसको कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा, दो आएगा। तो इस तरह का एडिशनल क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाली जो चीज है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, अगर आपको आइडेंटिटी निकालना है तो ए स्टार ई को ए के बराबर कर दो, और अगर आपको इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालना है तो ए स्टार बी को ई के बराबर कर दो, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 17 का सेकंड पार्ट, 17 के सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है,
आपसे कहता है स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन क्यू माइनस सन, अगेन सेम सेट है, बस थोड़ा सा इसको चेंज किया है, ठीक है जी। आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू माइनस वन डिफाइंड बाय ए स्टार बी, दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी और प्लस का ए बी, ए माइनस बी प्लस का ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब आपसे क्या कहते हैं, आपको कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी डिस्कस करनी है, फिर आपको इसका इन्वर्स निकालना है और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। अगर आप सीबीएसई का 2017 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हुए तो उसके बीच में ये क्वेश्चन डायरेक्टली 6 नंबर का पूछा गया था, बिल्कुल सरल सा, डेड नंबर का कम्यूटेटिव, डेड नंबर का एसोसिएटिव, डेड नंबर का आइडेंटिटी और डेड नंबर का क्या है इनवर्स वाला क्वेश्चन था। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए हमने लिखा ए स्टार बी, दिस इज ए माइनस बी और प्लस का ए बी। फिर हमने लिखा बी स्टार ए, तो आप इसको लिखोगे बी माइनस ए और प्लस का बी। अगर मैं ध्यान से लिखूंगा तो यहाँ ए माइनस बी लिखा है और यहाँ बी माइनस ए लिखा है, ऑब्वियस बात है अलग अलग सी चीजें हैं, तो आप इसको लिख सकते हो ए स्टार बी दिस इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, इसलिए जो स्टार हमारे पास है वो बिल्कुल भी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है एसोसिएटिव, उसके लिए हमें दो चीजें निकालनी है, ए स्टार बी इसका स्टार सी के साथ और एक ए स्टार बी स्टार सी। डेफिनेशन देखो क्या कहता है, पहला ऐसे कैसे दूसरे को घटा दो और फिर दोनों को ऐड करके लिख दो। चलिए इसके ऊपर, पहला ऐसे का ऐसे दूसरे को घटा दो, दोनों को ऐड करके लिख दो स्टार सी, पहला ऐसे का ऐसे दूसरे को घटाओ और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तुम्हारे पास क्या आएगा ए माइनस बी माइनस सी प्लस का ए बी प्लस का ए सी माइनस का बी सी और प्लस में क्या आएगा प्लस में ए बी सी आ जाएगा, ठीक है जी। फिर हम लोग इसके ऊपर चलते हैं, इसमें क्या करेंगे ए स्टार, इसमें क्या होगा पहला ऐसे का ऐसे दूसरे को घटाएंगे फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, इसमें क्या करेंगे पहला ऐसे का ऐसे दूसरे वाले को घटाया और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया बी माइनस सी प्लस का बी सी। सो यू कैन राइट इट एज ए माइनस बी प्लस का सी माइनस का बी सी, इसको लिखेंगे प्लस का ए बी माइनस का ए सी और प्लस का क्या आएगा ए बी सी। तो अगर मैं इसको ध्यान से चेक करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्या लिखा है, मेरे पास लिखा है ए माइनस बी माइनस सी, मेरे पास लिखा है ए माइनस बी और प्लस का सी, यहाँ क्या लिखा माइनस का बी सी माइनस का बी सी प्लस का ए बी प्लस का ए सी, यहाँ माइनस का ए सी है यहाँ प्लस का ए सी है, ये प्लस का ए बी सी है और ये प्लस का ए बी सी है। अगर थोड़ा सा ध्यान लगाया जाए तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो बी सी हमारे पास है प्लस का है, यहाँ सी माइनस का है, यहाँ पे बी सी माइनस का है, सॉरी जो ए बी है वो प्लस का है, ए सी भी प्लस का है, यहाँ पे ए सी किसका है माइनस का है। तो क्लियर कट हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ए स्टार बी स्टार सी है वो बिल्कुल भी ए स्टार बी स्टार सी के बराबर नहीं है, और अगर ये इसके बराबर नहीं है तो वैसा कह सकते हैं स्टार इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, जो स्टार हमारे पास होगा वो बिल्कुल भी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सो स्टार इज नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब है जो स्टार हमारे पास है वो बिल्कुल भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट बिल्कुल इजी चीज है, नेक्स्ट में आपसे बोलता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम लोगों को मालूम है हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए, जो ए स्टार ई है वो ए के बराबर होना चाहिए, तो ए स्टार ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा ए माइनस ई प्लस का ए ई, दिस विल बी इक्वल टू ए, तो ए से ए कटेगा, यहां से ई को बाहर निकालेंगे, बीच में माइनस वन प्लस ए आएगा, तो आप इसको लिखोगे ई का वैल्यू जीरो आएगा या फिर माइनस वन प्लस ए का वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर आएगा, या फिर आप ये लिखोगे ए का वैल्यू जीरो प्लस वन दिस विल बी इक्वल टू वन। लेकिन आप लिख देना ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने कह रखा है कि ए का वैल्यू क्यू माइनस वन के बीच में से लेना है। अगर ए का वैल्यू क्यू माइनस वन के बीच में से लेना है तो इसका मतलब ई कितना है जीरो है, जो कि बिल्कुल जो जीरो है वो बिलोंग करता है क्यू माइनस माइनस वन के बीच में, इसलिए इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार कितना होगा जीरो। तो यू कैन से जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ
दिस सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन दिस सेट, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों को इनवर्स निकालना है, ठीक है। इनवर्स तो बहुत सिंपल सी चीज है, तो जब आप इसका इनवर्स निकाल लेंगे, तो इनवर्स निकालने के लिए हमने आपको समझाया था, जब हम लोगों को इसका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने के लिए ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए की जगह आप यहां लिख लो क्यू माइनस जीरो और यहां पे भी लिख लो क्यू माइनस जीरो, ठीक है जी, समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं, देखिए क्या कहता है। इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस का ए बी और आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है जीरो। फिर हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना होता है, बी का। उसके लिए क्या करेंगे, माइनस बी प्लस का ए बी, इसको तो लेंगे जीरो माइनस ए, तो जीरो माइनस ए किसके बराबर होगा, माइनस ए के। यहां से हम लोगों ने बी की वैल्यू को निकाला, माइनस वन प्लस ए डिवाइड बाई माइनस ए, सो द वैल्यू ऑफ बी विल बी इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई ए माइनस वन। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए बाय वन माइनस ए, और जो बी हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, ए का इनवर्स है। इसलिए अगर हम लोग ए का इनवर्स निकालने लगेंगे तो ए का इनवर्स हमारे पास बराबर होगा ए डिवाइड बाय वन माइनस ए फॉर ए इज नॉट इक्वल टू वन। वो तो हमने पहले ही कह रखा है कि ए और बी कहां से आएंगे, ए और बी हमारे पास क्यू माइनस वन से आएंगे, ठीक है ना। क्यू माइनस जीरो नहीं है, क्यू माइनस वन है, क्योंकि वन पे इसको प्रॉब्लम है, ए की जगह पे हम लोग वन नहीं लगा सकते। इसलिए अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकाला जा सकता है ए डिवाइड बाय वन माइनस ए करके, एक्सेप्ट द एलिमेंट इज इक्वल टू वन। अगर एलिमेंट वन है तब हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, अदरवाइज हम लोग उसका इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो सिंपल सी चीज थी, 2017 के पेपर में 6 नंबर बिल्कुल आसान से हमारे पॉकेट में था, ठीक है। जिसने थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। हमने देखा ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन था ये कम्यूटेटिव नहीं था, ये वाला बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं था, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो आ रहा था और इसका इनवर्स जो था दैट विल बी इक्वल टू ए डिवाइड बाय वन माइनस ए, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहता है, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट एक्स इज इक्वल टू आर माइनस माइनस वन, ठीक है ना। हमसे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहता है, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट एक्स विच इज इक्वल टू आर माइनस माइनस वन। रियल नंबर में से माइनस वन को हटा देंगे, ठीक है। फिर आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है डिफाइंड बाय एक्स स्टार वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है जी। फिर आपसे क्या कहते हैं, आपसे कहते हैं कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स निकाल के दिखाइए अगर पॉसिबल है तो। सीबीएसई 2015 के पेपर में किसी कोड में ये वाला सवाल 6 नंबर का था, बिल्कुल आसान सी चीज है, बिल्कुल प्यार से हम लोग चेक करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, x स्टार y, तो हमने लिख दिया x प्लस का y और प्लस का एक्स वाई आ गया। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है y स्टार x, कोई चेंज नहीं होगा, पहले y आ जाएगा फिर x आ जाएगा फिर y x आ जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे सेम है, तो इसके राइट हैंड साइड क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है और x और y क्या है, x y बिलोंग्स टू r माइनस वन है, इसलिए x स्टार y निकालो या y स्टार x निकालो, एक ही बात है, दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं सो स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसलिए जो स्टार हमारे पास है, स्टार हमारे पास कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए a स्टार b शुड बी इक्वल टू b स्टार a, यहां पे x स्टार y था तो x स्टार y इज इक्वल टू y स्टार x है, तो इसका ये ऑपरेशन कैसा है, कम्यूटेटिव है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं किसके ऊपर, एसोसिएटिव के ऊपर। आपको मालूम है एसोसिएटिव करने के लिए हम लोगों को दो साइडें निकालनी पड़ेंगी, सबसे पहली क्या है x स्टार y और इसका स्टार करेंगे किसके साथ, z के साथ, और अगले वाली क्या है, सॉरी x स्टार y स्टार z, ऐसे होगा ना। ये हमारे पास क्या है x स्टार y स्टार z और इसका मतलब क्या है x स्टार y स्टार z। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं,
देखो क्या कहता है, पहला प्लस दूसरा फिर दोनों की मल्टीप्लाई, इसमें लिखो पहला प्लस दूसरा फिर दोनों की मल्टीप्लाई, इसका स्टार करेंगे जेड के साथ। फिर आप क्या करोगे, पहला प्लस में दूसरा फिर आप दोनों की क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स जेड प्लस का वाई जेड और प्लस का एक्स वाई जेड, ऐसा हमारा आंसर आएगा। और ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे किसको, राइट हैंड साइड को, तरीका बिल्कुल पहले वाला ही है। क्या लिखेंगे, एक्स स्टार, क्या लिखेंगे, पहला प्लस दूसरा फिर दोनों की मल्टीप्लाई, ऐसा ही तो होता है। अब सिंगल एलिमेंट ये बन गया, सिंगल एलिमेंट ये बन गया, तो क्या लिखोगे, पहला एलिमेंट ऐसे कैसे फिर प्लस में, दूसरे वाला एलिमेंट y प्लस जेड और प्लस का वाई जेड, फिर क्या करोगे, पहले की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, दूसरे के साथ, तो y प्लस जेड प्लस का वाई जेड। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी x प्लस का y प्लस का जेड, इसको लिखेंगे वाई जेड, इसको लिखेंगे एक्स वाई, इसको लिखेंगे एक्स जेड और इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब एक्स स्टार वाई स्टार जेड, एक्स स्टार वाई, इसका स्टार करेंगे जेड के साथ, या फिर एक्स स्टार वाई स्टार जेड करें किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, सो स्टार इज एसोसिएटिव बाय द ऑपरेशन। इसलिए जो हमारे पास स्टार होगा, स्टार हमारे पास एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। कुछ नहीं करना, एक बार इसको ध्यान से पढ़ना क्या कहता है, पहला ऐसे कैसे दूसरे को जोड़ के फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ। आइडेंटिटी एलिमेंट में आपसे क्या कहता है, देखो अगर हम लोग इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए तो एक ही चीज हमें मालूम है, ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए। यहाँ पे ए नहीं है तो आप लिख देना एक्स स्टार ई शुड बी इक्वल टू एक्स। एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के लाओ जिसको किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करने पे आंसर वापस सेम टू सेम आए। तो जब हम x स्टार e को निकालेंगे तो उसका वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस का e और प्लस का x इनटू e, दिस विल बी इक्वल टू x। तो x से x कटेगा, इन दोनों में से e को बाहर निकाल लेंगे, बीच में 1 प्लस x आ जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे e का वैल्यू 0 आएगा और 1 प्लस x का वैल्यू 0 आएगा। तो यहां से लिख सकते हैं x का वैल्यू कितना आएगा, 0 माइनस 1, so the value of x will be equal to minus 1। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने कह रखा है कि x क्या है, r minus minus 1 है। आप लिख देना ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि x का वैल्यू r minus minus 1 को बिलोंग करता है। इसका मतलब e is equal to 0 है। और अगर मैं देखूंगा तो 0 जो है वो रियल नंबर minus 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। जब हम लोग इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 के बराबर आएगा। आप इसको अच्छे से देख लो, हम लोगों ने ए स्टार ई किया, ए के बराबर आ गया, तो हम कहते हैं जो ई है वो उसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है जी। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसी के बीच में आपसे पूछा गया था कि आपको इनवर्स निकाल के दिखाना है कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या आएगा, ठीक है। तो आपको बताया था जब भी हम इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक्स स्टार वाई का मतलब क्या है, एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई और आइडेंटिटी कितना है, 0। यहां से वैल्यू किसका निकालेंगे, यहां से वैल्यू वाई का निकालेंगे। तो आप इसको लिख लेना वाई इंटू 1 प्लस एक्स, इसको लिखेंगे 0 माइनस एक्स, सो कैन राइट इट एज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। और आपको मालूम है जो y है वो क्या है, x का इनवर्स है, इसलिए जब हम इसको लिखेंगे तो x का इनवर्स बराबर होगा माइनस x डिवाइड बाई 1 प्लस x के, फॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। और वो हम पहले कह चुके हैं कि x की वैल्यू कहां से लेनी है, r माइनस माइनस 1 से। तो r माइनस माइनस 1 से लेने का मतलब है x का वैल्यू को हम माइनस 1 नहीं लगा सकते क्योंकि माइनस 1 लगाने से डिनोमिनेटर 0 बनेगा और अगर डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो इसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। तो माइनस 1 को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं आप उन सारे के सारे का इनवर्स निकाल सकते हैं अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार विच इज डिफाइंड ऑन r माइनस माइनस 1, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जैसे हम पिछले क्वेश्चन करें बिल्कुल सेम टू सेम था, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं। बस आपको एक बार लिखने का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि बाय द ऑपरेशन में आपसे कह क्या रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहता है स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय, हम लोग उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस फोर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए स्टार बी दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस फोर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। आपसे कहता है सबसे पहले इसको कम्यूटेटिव करो, फिर आप एसोसिएटिव करो, फिर इसके बीच में आइडेंटिटी निकालो, फिर आप इसका इनवर्स निकालिए। ठीक है, दो मिनट हम आपको करने के लिए देते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो फिर मैं तो करवाऊंगा इसको, इसको देख लो एक बार अच्छे से। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस फोर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, करो इसको, करो फटाफट से, शाबाश, दो मिनट में ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं तो करवाऊंगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह है जैसे हम पहले आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोग इसमें लिखोगे, सबसे पहले आप इसमें लिखोगे कम्यूटेटिव, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये वाला बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ए स्टार बी निकाला, ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी माइनस फोर, पहला प्लस दूसरा और माइनस का फोर। फिर हम लोगों ने बी स्टार ए निकाला, तो दूसरा प्लस पहला माइनस का फोर। अब आपको मालूम है ए और बी हमारे पास किसको बिलोंग करते हैं, जेड को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज कम्यूटेटिव, जो स्टार हमारे पास है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, हमने ए स्टार बी निकाला तो ए स्टार बी आया ए प्लस बी माइनस फोर, फिर हमने बी स्टार ए निकाला बी प्लस ए माइनस फोर, फिर हमने बोला ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। ठीक है जी, आगे चलते हैं जेड, फिर हम लोगों को क्या चेक करना है, फिर हम लोगों को निकालना है कि ये वाला बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है कि नहीं। अगेन आपको दो चीजें निकालनी है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है ना, और फिर आपको क्या निकालनी है राइट हैंड साइड, वो क्या है ए स्टार बी स्टार सी, और आपको दिखाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। इस पे चलते हैं, ऑपरेशन क्या कहता है, पहला प्लस दूसरा माइनस चार, इसका करेंगे स्टार किसके साथ, सी के साथ, तो ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, तो आप क्या लिखोगे a प्लस बी माइनस फोर प्लस का c माइनस फोर, सो दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी माइनस एट। इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a स्टार b प्लस सी माइनस फोर, इसको लिखेंगे पहला प्लस का दूसरा और माइनस का चार, सो दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी माइनस एट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है ना। अब ये मत सोचना माइनस फोर कहां से आया, ये पहला एलिमेंट था, ये दूसरा एलिमेंट था, और ये माइनस फोर उस ऑपरेशन से उठाया जो हमसे कहता है कि पहले को दूसरे में ऐड करके चार घटा दो, तो इसका मतलब आप कह सकते हो ए स्टार बी स्टार सी दिस इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, सो स्टार इज एसोसिएटिव। ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये वाला बाइनरी ऑपरेशन कैसा होगा, एसोसिएटिव होगा, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी दिस शुड बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो हम कह सकते हैं ये वाला बाइनरी ऑपरेशन कैसा होगा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट, तीसरी चीज जो हम लोगों को यहां से निकालनी है दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकलेगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए हमने क्या लिखा ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए, तो ए स्टार ई का मतलब यहां से देख लो ए प्लस का ई माइनस फोर इज इक्वल टू ए, ए से ए कटेगा तो ई का वैल्यू फोर आएगा, फोर जेड को बिलोंग करता है ना, तो हम लिख सकते हैं सो आइडेंटिटी एलिमेंट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू फोर, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, फोर के बराबर है।
अब हम लोगों को क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो जब हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स के बीच में आप लिखोगे ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू ई। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस का बी माइनस फोर, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो फोर के बराबर है। तो जब यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे तो फोर प्लस का फोर माइनस ए, सो बी शुड बी इक्वल टू एट माइनस ए। और हम लोगों को मालूम है जो बी है वो किसके बराबर है, ए इनवर्स के। तो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकाल सकते हैं उसको आठ में से घटा के, सो ए इनवर्स, सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एट माइनस ए। तो जब हम यहां से किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का, या जीरो का भी निकालना चाहें तो जीरो का भी निकल जाएगा, तो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स निकाल सकते हैं एट माइनस ए करके। ठीक है जी, तो एट माइनस ए करके नॉन जीरो ही होगा, क्योंकि अगर जीरो लगा देंगे तो वन बाय जीरो चला जाएगा, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स निकाल सकते हैं एट माइनस ए करके। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह था। अगर ये क्वेश्चन पेपर में बनता है तो छह नंबर कहीं नहीं जाते, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको डेफिनेशन पता है, रूल देखना है, उसके अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे करके रीअरेंज करना है। ठीक है जी, चले आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तीन क्वेश्चन है, तीन में से दो एक जैसे हैं और एक जैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले सीबीएसई ने छह नंबर का ये पेपर में पूछा था। तो आपसे कहता है एक सेट हमारे पास लिखा है ए, उसके बीच में हमारे पास लिखा है जीरो एक दो तीन चार पांच और छह। फिर आपसे कहता है ए स्टार बी स्टार ऑन ए, ठीक है, डिवाइड बाय ए स्टार बी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये ए प्लस बी है, कब है, इफ ए प्लस बी लेस देन सेवन, और ए प्लस बी माइनस सेवन है इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन। ठीक है जी, तो आपसे कहता है सबसे पहले इसकी कंपोजिशन टेबल लिखनी है। ठीक है, हमको तीन क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले आपको इसकी कंपोजिशन टेबल लिखनी है, फिर आपको ये दिखाना है इसकी आइडेंटिटी जीरो है, और फिर आपको ये दिखाना है किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो सेवन माइनस ए होगा। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन हमने पूछे हैं। इसके बीच में जो सबसे नई चीज है, जो हमने अब तक नहीं पढ़ाई है ना ही हमने पढ़ी है, दैट इज कंपोजिशन टेबल। ये कंपोजिशन टेबल क्या होती है, कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। जो कंपोजिशन टेबल है, कंपोजिशन टेबल तब बनाया जाता है जब भी हम किसी बाइनरी ऑपरेशन को किसी भी एक फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को एक कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। आप उसको यहां पे लिखेंगे ऐसे करके, और जितने भी एलिमेंट हैं उसको यहां लिख देंगे, दिस विल बी स्टार, यहां लिखेंगे जीरो एक दो तीन चार, इसको लिखेंगे पांच, और ये हमारे पास क्या आएगा छः। फिर इसको लिखेंगे जीरो एक दो तीन चार पांच और छः, ऐसे ही आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास जाएगा जीरो से लेके छः तक, ये हमारे पास आएगा जीरो से लेके छः तक। तो अब हम इसको यहां से यहां ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे करना छोड़ो, इसको जीरो को जीरो से किया तो जीरो को जीरो से स्टार किया, तो जीरो को जीरो में जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, सात से छोटा है, और अगर सात से छोटा है तो इसका आंसर तो जीरो ही आ जाएगा। फिर जीरो का ऑपरेशन एक के साथ करेंगे, जीरो में एक को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, एक, सात से छोटा है तो सेम आंसर आएगा, ये भी सेम 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 आएगा। आप देखो ना, इसको ऐसे किया, जीरो का स्टार सिक्स के साथ किया, तो ए स्टार बी करने से पहले हम इसको ऐड करके देखते हैं। तो जब हमने इसको ऐड करके देखा तो इसका आंसर सिक्स आया, सिक्स सेवन से छोटा है, जब सेवन से छोटा होता है तो आंसर सेम टू सेम ए प्लस बी आ जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर हमने एक में जीरो को जोड़ा तो सात से छोटा है, एक में एक को जोड़ा दो आएगा, एक में दो को जोड़ा तीन चार पांच छ, अगर मैंने एक में छ को जोड़ा तो आंसर कितना आएगा, सात। उसने क्या था, अगर सात या सात से बड़ा हो तो उसमें से सेवन को घटा देते हैं, इसका मतलब जब आप लिखोगे तो आपके पास आएगा वन स्टार सिक्स। तो आप लिखते हैं वन प्लस सिक्स किसके इक्वल है, सेवन के, तो इसके वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस सिक्स माइनस सेवन, सो आंसर विल बी जीरो। तो ये हमारे पास जीरो के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नंबरिंग बिल्कुल ऑर्डर में चलेगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ दो आएगा, तीन चार पाँच छः,
जीरो एक, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा तीन चार पाँच छ जीरो एक दो, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा चार पाँच छ जीरो एक दो तीन, उसे नेक्स्ट टाइम क्या आएगा पाँच छ जीरो एक दो तीन चार, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा छः प्लस जीरो करोगे तो छः आ जाएगा, इसको लिखोगे तो ये जीरो आएगा, एक दो तीन चार और पाँच, तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो कंपोजिशन टेबल बनके तैयार हो जाएगा। छः नंबर का क्वेश्चन था, उस छः नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर का कंपोजिशन टेबल था। तो कंपोजिशन टेबल बनाना बहुत सरल है, सबसे पहले इसके एलिमेंट्स को यहाँ लिख देते हैं जीरो एक दो तीन चार पाँच छः, फिर इसके एलिमेंट्स को यहाँ लिखते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फिर इसको इस तरीके से ऑपरेट कराते हैं। अगर उसका वैल्यू सेवन से छोटा है तो सेम टू सेम दे देंगे, और सेवन या सेवन से बड़ा है तो उसको सेवन में से घटा के लिख देंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ये वाला तो हमने कर लिया, सेकेंड वाला पार्ट था हमें प्रूव करना जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखो हमने जीरो का स्टार जीरो से किया तो आंसर जीरो आ गया, जीरो का स्टार वन से किया तो आंसर वन आ गया, जीरो का स्टार टू से किया तो आंसर टू आ गया, जीरो का स्टार थ्री से किया तो आंसर थ्री आ गया, जीरो का स्टार फोर से करेंगे तो आंसर फोर आएगा, जीरो का स्टार फाइव से करेंगे तो भी फाइव आएगा, और जीरो का स्टार सिक्स से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा सिक्स आएगा। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, अगर मैं जीरो का स्टार ए के साथ करूं या ए का स्टार जीरो के साथ करूं तो जो हमारा आंसर है वो हमेशा ए आता है, और अगर आंसर ए आता है तो हम कह सकते हैं हेंस जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, जो जीरो हमारे पास है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्टार, इस बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू जो जीरो हमारे पास है, जीरो हमारे पास क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला है इनवर्स निकालने वाला, उसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले मैं आपको रफली करके दिखाता हूं, नॉन जीरो का ढूंढना, वन को किससे ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ रहा है। अब ये देखो सिक्स के सामने लिखा है, इसका मतलब ये कहता है वन का स्टार मैंने सिक्स के साथ किया तो आंसर कितना आ गया जीरो, इसका ए का स्टार बी के साथ किया आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब जो वन का इनवर्स है वो कितना होगा सिक्स होगा। फिर हमने दो का स्टार किया तो आपको मालूम है दो का स्टार किसके साथ करेंगे पांच के साथ, तो आंसर कितना आएगा जीरो आ जाएगा, तो दो स्टार पांच का वैल्यू जीरो है, इसलिए दो का इनवर्स जो है दो का इनवर्स पांच के बराबर है। फिर हमने तीन उठाया, तीन का स्टार देखो जब हम तीन का स्टार करेंगे तो किसके साथ करेंगे चार के साथ, तो थ्री स्टार फोर इज इक्वल टू जीरो, इसलिए आप कह सकते हैं तीन का इनवर्स कितना है चार है। फिर हम लोगों ने चार लिया, चार स्टार देखो चार को स्टार किसके साथ करेंगे तीन के साथ, है ना, ऐसे लिखते रहना, यहाँ पे जीरो है यहाँ जीरो है यहाँ जीरो है यहाँ भी जीरो है यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, तो आप इसको लिख सकते हो फोर स्टार थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसलिए फोर का इनवर्स कितना है थ्री है। फिर हमने क्या किया फाइव का स्टार किया किसके साथ दो के साथ, तो भी आंसर कितना आ रहा है जीरो, इसलिए जो पाँच है उस पाँच का इनवर्स कितना आएगा दो आएगा। फिर आपसे कहते हैं छः का स्टार करेंगे किसके साथ एक के साथ, तो भी आंसर जीरो आ रहा है, इसलिए सिक्स का इनवर्स किसके बराबर आएगा सिक्स का इनवर्स किसके बराबर आएगा सिक्स का इनवर्स वन के बराबर होता है। तो कहने का मतलब अगर ये ए है तो ये कितना है सेवन माइनस ए, अगर ये वाली चीज़ ए है तो ये कितना है सेवन माइनस ए, अगर ये वाली चीज़ ए है तो ये कितना है सेवन माइनस ए, अगर ये वाली चीज़ ए है तो ये कितना है सेवन माइनस ए, अगर ये ए है तो ये कितना है सेवन माइनस ए, अगर ये ए है तो कितना है सेवन माइनस ए, और ये ए है तो ये कितना है सेवन माइनस ए। इसका कहने का मतलब है हर नॉन जीरो एलिमेंट का जो इनवर्स है वो कितना आ रहा है सेवन माइनस ए आ रहा है, तो आप लिख सकते हो सो ए इनवर्स इज इक्वल टू सेवन माइनस ए फॉर ऑल नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू ए, वो सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट जो ए में बिलोंग करते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इसके अलावा आप बोलते हो नहीं सर इसको हम ऐसे नहीं लिखना चाहते, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो हमारे पास एक तरीका और है, हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे लिख लो, हमने ए का स्टार किया किसके साथ सेवन माइनस ए के साथ, तो ए को सेवन माइनस ए में जोड़ा, जब ए को सेवन माइनस ए में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा सेवन आएगा, क्योंकि सेवन सेवन या सेवन से बड़ा है, तो जब हम इसे ऑपरेशन लगाएंगे दिस विल बी ए प्लस सेवन माइनस ए, उसमें से सेवन को घटा देंगे, तो सेवन से सेवन गया जीरो, ए से ए गया जीरो, तो क्या आ गया जीरो आ गया।
फिर आप लोग क्या करोगे, 7 माइनस ए का स्टार करेंगे किसके साथ, ए के साथ, अगेन सेम चीज बनेगा 7 माइनस ए प्लस ए, इसको लिखेंगे तो फिर से 7 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 माइनस ए प्लस ए माइनस 7, तो ए से ए कटेगा, 7 से 7 कटेगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब है जब भी हमने ए का स्टार 7 माइनस ए से किया या फिर 7 माइनस ए का जो स्टार है उसको ए से किया, हमारा आंसर हमेशा आइडेंटिटी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर हमारा आंसर आइडेंटिटी आ रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ए का इनवर्स है, ए का इनवर्स बराबर होगा किसके, 7 माइनस ए के। बहुत सिंपल सी चीज थी, ए स्टार 7 माइनस ए, तो हमने ए प्लस 7 माइनस ए करके देखा या 7 माइनस ए प्लस ए करके देखा, आंसर यहाँ पे भी 7 आ रहा था, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर 7 आता है तो उसमें से 7 को हटा देते हैं, तो 7 को हटाया तो 0 आ गया। तो ए का स्टार 7 माइनस ए कैसे करो, या 7 माइनस ए का स्टार ए से करो, आंसर 0 ही आ रहा है। इसका मतलब जो ए है उसका इनवर्स कितना होगा, 7 माइनस ए होगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 नंबर का, हमारे पेपर में दोबारा से रिपीट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है जी, चले आगे नेक्स्ट। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 और 21 रह गए हैं उसके अंदर एक स्पेशल चीज है, उसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगा, इसलिए आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, उस क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। ठीक है जी, तो देखिए आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है पहले हम लोग जब क्वेश्चन करते थे तो वहां लिखते थे स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वहां पे लिखेंगे स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए क्रॉस ए, तो दोनों में बहुत फर्क है। हम पहले जितने भी क्वेश्चन करते थे वहां पे सिर्फ और सिर्फ ए लिखा आता था, अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे वहां पे सारे के सारे ए क्रॉस ए आएंगे। जब हम यहां बात करते तो हम बोलते हैं ए ए में है, और जब हम यहां पे बात करेंगे तो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी किसके बीच में है, ए क्रॉस ए के बीच में है। ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई भी सेट ए है तो वहां पे लिखते हैं ए जो है वो ए के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन अगर हमारे पास ए क्रॉस ए लिखा है तो आप ये लिखोगे ऑर्डर पेयर ए कोमा बी किसमें आएगा, ए क्रॉस ए के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है जी, तो इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं क्या कहने की कोशिश करता है। सबसे पहले जब हम लोग यहां पे कम्यूटेटिव करते थे तो कम्यूटेटिव में आप बोलते हो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ऐसा बोलते हैं। यहां पे जो एलिमेंट थे वो सिंगल थे तो इसलिए ऐसा लिखा जाता था। जब यहां पे हम लोगों को कॉम्यूटेटिव करना है तो कॉम्यूटेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको लिखोगे ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, दिस इज इक्वल टू सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। पहले हमसे कहता था जो ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के बराबर है तो कम्यूटेटिव होगा, अब हमसे कहेगा ए बी स्टार सी डी दिस इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ठीक है जी, जब हम लोग यहां पर एसोसिएटिव करते थे तो हम लिखते थे ए स्टार बी स्टार सी दिस इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, लेकिन जब हम लोग यहां पर एसोसिएटिव करते हैं तो यहां पर एसोसिएटिव में हम लिखेंगे ए बी स्टार सी डी का स्टार किसके साथ, ई कोमा एफ के साथ, दिस इज इक्वल टू ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई एफ फॉर ऑल ए बी सी डी ई कोमा एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। कहने का मतलब जो काम हमारे पास पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट में चल रहा था अब वो ऑर्डर पेयर आने की वजह से सारा का कार्टिजन प्रोडक्ट आने की वजह से सारा का सारा काम किस में चलेगा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चलेगा। फिर तीसरे नंबर पे जब हम आइडेंटिटी निकालते थे तो आइडेंटिटी में हम बोलते थे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार ई ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, क्योंकि यहां पे सारे एलिमेंट डबल डबल है तो आइडेंटिटी भी डबल में लिखी जाएगी। तो जब हम यहां पे आइडेंटिटी लिखेंगे तो आप आइडेंटिटी में लिखोगे क्या, फॉर ऑल
ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट ई कोमा ई डैश बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट ए कोमा बी स्टार ई कोमा ई डैश या ई कोमा ई डैश स्टार ए कोमा बी दिस इज इक्वल टू ए कोमा बी। तो हम कहते हैं यहां पे आइडेंटिटी क्या था, यहां पे हमारे पास जो आइडेंटिटी था वो ई था और यहां पे जो हमारे पास आइडेंटिटी होगा वो ई कोमा ई डैश आएगा। ऑब्वियस सी बात है जब सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है तो जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो भी किसकी फॉर्म में होगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा था अगर हमसे पूछा जाए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो इनवर्स के बीच में हम लोगों ने लिखा था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, या ऐसे लिख लो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन बी इज ए इनवर्स। जो बी हमारे पास होगा बी हमारे पास ए का इनवर्स होगा। अब आप यहां क्या लिखोगे, अगर मैं यहां पे इनवर्स निकालना चाहता हूं तो इनवर्स निकालने के लिए आप लिखोगे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट सी कोमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट ए बी का स्टार इसके साथ सी डी के साथ, या फिर सी डी का स्टार किसके साथ ए बी के साथ। तो जो हमारा आंसर आएगा अगेन ए बी आएगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ए बी का इनवर्स होगा ए बी का इनवर्स हमारे पास सी कोमा डी आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पहचान लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको समझ पाएंगे तभी आप पेपर में 6 नंबर ले पाएंगे, क्योंकि 6 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है उसके बीच में हम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन को कार्टिजन प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन करके दिखाता है। ठीक है जी, आप इसको एक बार देख लो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए आपको इस क्वेश्चन में ये बंदा जो है वो क्या कहना चाहता है। अगर हम लोग कम्यूटेटिव निकालना चाहते हैं तो कम्यूटेटिव के लिए ए बी स्टार सी डी शुड बी इक्वल टू सी डी स्टार ए बी, एसोसिएटिव के लिए ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ दिस शुड बी इक्वल टू ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, आइडेंटिटी के लिए ए बी स्टार ई कोमा ई डैश इज इक्वल टू ई कोमा ई डैश स्टार ए बी इज इक्वल टू ए बी, और इनवर्स के लिए अगर ए बी ए क्रॉस ए में है तो ई कोमा ई डैश डी सॉरी सी कोमा डी बी ए क्रॉस ए में आएगा सच दैट ए कोमा बी स्टार सी डी इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी दिस इज इक्वल टू ई कोमा ई डैश। ठीक है जी, तो इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा है जैसा जैसा हम लोगों ने रिलेशन वाले लास्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था। ठीक है जी, लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना, और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस एक बार टर्मिनोलॉजी समझ लो और फिर देख लो हमें करना क्या है, उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, उसको आगे पीछे करके उसके साथ खेलते रहना बस, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बिल्कुल फ्री के 6 नंबर हमारी जेब के बीच में होंगे। ठीक है जी, तो देखिए आपसे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन नेचुरल क्रॉस नेचुरल स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए, कैसे डिफाइन किया, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी दिस इज इक्वल टू ए सी कोमा बी डी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपसे कहते हैं शो करके दिखाओ ये वाला ऑपरेशन कैसा है, कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी निकाल के दिखाओ और अगर इन्वर्स निकल सकता है तो इन्वर्स भी निकाल के दिखाओ। इसमें पूछा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको 4 पढ़ाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन अगर आए तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें स्टार्ट किया किसको, कम्यूटेटिव को, तो अपनी नोटबुक को पलटिए उसको देखें। कम्यूटेटिव में मैंने आपसे क्या बोला था, कम्यूटेटिव में मैंने आपसे बोला था सबसे पहले ए बी का स्टार सी डी के साथ क्या कहता है, पहले की मल्टीप्लाई तीसरे से दूसरे की चौथे से, तो ए कोमा सी और बी कोमा डी
फिर उल्टा करके देखो, सी डी स्टार ए कोमा बी, ऐसे होगा। फिर क्या करेंगे, पहले की मल्टीप्लाई तीसरे से, तुम्हारे पास आएगा सी कोमा ए, फिर डी कोमा बी। अब आप क्या लिखोगे, ए बी सी डी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो चाहे ए सी लिख लो और चाहे सी ए लिख लो, दो का मल्टीप्लाई तीन से कर दो या तीन का मल्टीप्लाई दो से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से सेम आता है। और ऐसे ही जो बी डी होगा वो किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए ए बी स्टार सी डी, दिस इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, सो स्टार इज कम्यूटेटिव, जो स्टार है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। इसलिए जो स्टार हमारे पास होगा, स्टार हमारे पास कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसा जैसा कह रखा है वैसा वैसा हमने लिख दिया, पहले की मल्टीप्लाई तीसरे से और जो दूसरा है उस दूसरे की मल्टीप्लाई हम लोगों ने किससे कर दिया, चौथे से कर दिया। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट में आपसे कहता है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या है, एसोसिएटिव में हमने पढ़ा था ए बी का स्टार करेंगे किसके साथ, सी डी के साथ, और फिर उसका स्टार करेंगे किसके साथ, ई कोमा एफ के साथ। तो इसको देखिए क्या बनेगा, ये तो हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो जब आप इसको देखोगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, इसका मल्टीप्लाई से ए कोमा सी, इसको लिखेंगे बी कोमा डी, इसको लिखेंगे स्टार ई कोमा एफ, तो ये क्या बन जाएगा, पहले के मल्टीप्लाई तीसरे से ए कोमा सी कोमा ई और बी डी एफ, ऐसा बन जाएगा, पहले का मल्टीप्लाई तीसरे से और दूसरे का मल्टीप्लाई चौथे से, इस सारे की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस सारे की मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है जी। फिर हमने राइट हैंड साइड निकाला, तो जब आप इसका राइट हैंड साइड निकालेंगे, आप उसके बीच में लिखोगे ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जब हम लोग इसके ऊपर स्टार निकालेंगे तो आप इसको लिख सकते हो ए कोमा बी स्टार, जब हम इसको लिखेंगे पहले की मल्टीप्लाई तीसरे से सी कोमा ई, इसको लिखेंगे डी कोमा एफ, इसका मल्टीप्लाई तीसरे से करेंगे तो हमारे पास आएगा ए सी ई, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी डी एफ, तुम्हारे पास ऐसा आ जाएगा। और अगर मैं इसको और इसको ध्यान से देखूंगा तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर है, और अगर ऐसा बराबर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी का स्टार सबसे पहले हमने सी डी के साथ किया, फिर हमने उसका स्टार किसके साथ किया, ई कोमा एफ के साथ, या फिर हमने क्या किया, ए बी का स्टार किया किसके साथ, सी कोमा डी, और उसका स्टार किया ई कोमा एफ के साथ, तो ये बराबर है। और अगर ये बराबर है तो आप लिख सकते हैं सो स्टार इज एसोसिएटिव, जो स्टार हमारे पास है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, सो स्टार इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, हम लोगों ने सबसे पहले ए बी स्टार सी डी किया, फिर सी डी स्टार ए बी किया, बराबर था, फिर हम लोगों ने ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ किया, या फिर ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ किया, तरीका क्या है, पहले की मल्टीप्लाई तीसरे से कर दो और दूसरे की मल्टीप्लाई चौथे से कर दो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज थी जिसको हमने आपको समझाया और आपको समझ में आ भी गया। नेक्स्ट चलते आगे, तीसरे नंबर, तीसरे नंबर पे आपसे कहता है आपको इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, बहुत सिंपल, बस डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमसे क्या कहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट में ये लिखेगा ए कोमा बी का स्टार ई कोमा ई डैश के साथ आंसर शुड बी इक्वल टू ए बी, ऐसे तो होता है ना। अगर मैं किसी भी आइडेंटिटी को निकालना चाहता हूं, उसके लिए ए स्टार बी को किसके बराबर रखना है, आइडेंटिटी के, इसमें एलिमेंट कैसे है, ऑर्डर्ड पेयर, तो आइडेंटिटी भी ऑर्डर्ड पेयर होगा और जो एलिमेंट है वो भी सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। तो जब आप इसको लिखने लगेंगे तो पहले की मल्टीप्लाई तीसरे से होगी, तो ए कोमा ई, फिर बी कोमा ई डैश, दिस शुड बी इक्वल टू ए कोमा बी, ऐसा हो जाएगा। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो जो पहले वाला है वो पहले वाले के बराबर आएगा, जो दूसरे वाला है वो दूसरे वाले के बराबर आएगा, ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, तो ई का वैल्यू वन आएगा और ई डैश का वैल्यू भी कितना आएगा, वन आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं वन कोमा वन जो है वो हमारे पास नेचुरल क्रॉस नेचुरल के बीच में है, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास आएगा
दैट विल बी 1,1, जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 1,1 आएगा, ठीक है जी। चले आगे, नेक्स्ट आपसे कहते हैं इनवर्स, हम लोगों को इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए आप क्या लिखोगे, ए कोमा बी का स्टार करेंगे सी कोमा डी के साथ, जो हमारा आंसर है दैट शुड बी इक्वल टू ई कोमा ई डैश, इसको आप लिखोगे ए कोमा सी, इसको लिखोगे बी कोमा डी, दिस विल बी 1,1। अब दो ऑर्डर पेयर बराबर है, तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के बराबर, तो आप इसको लिख सकते हो ए सी का वैल्यू 1 है, बी डी का वैल्यू कितना है वो भी 1 है, तो सी का वैल्यू कितना आएगा 1/a, तो डी का वैल्यू कितना आएगा 1/b, जो हमारे पास सी डी था वो क्या था, सी डी वाज इक्वल टू ए बी इनवर्स, तो जो ए बी का इनवर्स होगा दैट विल बी 1/a, 1/b। अब आप लिख सकते हो ए और बी नेचुरल नंबर है, तो ए को छोड़ के ये वाली चीज कभी भी एन क्रॉस एन में बिलोंग नहीं करेगी, सिर्फ अगर ए की जगह 1 कर दे बी की जगह 1 कर दे तब तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका मतलब जो 1/a, 1/b है वो एन क्रॉस एन में नहीं आता, और अगर एन क्रॉस एन में नहीं आता तो आप लिख देना इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, जो उसका इनवर्स है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया। ए बी स्टार सी डी लिखा, दिस इज इक्वल टू 1:1, सो ए सी इज इक्वल टू 1, सी का वैल्यू 1/a और डी का वैल्यू 1/b, तो 1/a और 1/b एन क्रॉस एन में है, इनवर्स इसका जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन रह गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, 2020 के अंदर जो आपका रिजल्ट आएगा बहुत 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 अच्छा आने वाला है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है वो इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।